यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप यू गाइस आर ऑल ग्रेट। तो गाइस यार, आज यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैन वॉर लीग के अक्टूबर अपडेट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है गाइस यार, ये जो अपडेट रहा है जो कि कल हमें एक क्लैश ऑफ क्लैन के मेन यूट्यूब चैनल में और हमें इवेंट में हमें ये भी बताया गया था कि यार कुछ यार यहाँ पे इन्होंने टूल्स में रिक्वायर्ड रखी है और कुछ इन्होंने डिफेंस। तो यहाँ पे तुम देखो तो डिफेंस घटा भी है, डिफेंस बढ़ा भी है, बट मेजर प्रॉब्लम यार ये रही कि यार सबसे बड़ा जो अपडेट आने वाला है क्लैन वॉर लीग आने वाला है। ठीक है, तो क्लैन वॉर लीग कब तक आ गए मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जो भी चैनल में नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना अगर तुम यार रियली इंजॉय करते हो इस वीडियो गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले क्लैन वॉर लीग की गाइस। तो क्लैन वॉर लीग जैसे कि तुमने कल देखा ही होगा यार, 22/10 उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस, अपडेट चेंजेस आने वाले। तो यार क्या पता ये आ जा सकता है, कुछ पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। बट यहाँ पे इन्होंने 25 से पहले आएगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बताते आ रहा हूँ कि यहाँ 25 से पहले आ जाएगा। 25 को भी एक अपडेट आने वाला है हेलोवीन अपडेट का, तो इसमें भी आ सकता है गाइस। तो अब हम बात करने वाले सबसे मोस्ट इंटरेक्टिव डिफेंस, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम रहा है हर किसी टाउन हॉल में, या टाउन हॉल 10 से लेकर टाउन हॉल 12 में जो सबसे मेन इन प्रॉब्लम रहा है वो है इन्फर्नो का गाइस। क्योंकि इन्फर्नो यार अब टाउन हॉल 12 पे तुम्हें पता ही है गाइस, 3 इन्फर्नो हो चुके हैं भाई। मतलब यार हार्ड, टू हार्ड यार, सभी के लिए। मतलब जितने भी हमारे क्लैशर्स हैं, जो भी टाउन हॉल 12 में है गाइस, उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो चुकी है यार कि टाउन हॉल 12 पे वो भी 3 इन्फर्नो हो चुके हैं। डिफेंड इस वाले अपडेट में इन्होंने टाउन हॉल 12 को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि अगर हम टाउन हॉल 12/10 पे थे जिस टाइम हमारे पास 2 इन्फर्नो थे गाइस, वो भी हमारी मार लेते थे अच्छी तरह से। मतलब उनको भी नर्फ किया गया एक टाइम को, तो कि हाँ भाई इसकी रेंज मल्टीपल टारगेट की ज्यादा ज्यादा कर दी है। क्योंकि मल्टीपल टारगेट जो इन्फर्नो होता है गाइस, वो नर्फ हो चुका था कि इस पे हीलिंग का असर होगा, मतलब वो हील करने देगा, और सिंगल टारगेट इन्फर्नो पे हील नहीं करने देगा। सीधा एक बार अगर लॉक हो गया किसी चीज पे तो वो चीज खत्म। ठीक है, अगर उसके रेंज से बाहर नहीं गई, उन्होंने इन्हें नर्फ किया भाई, बहुत सारे बंदों को यार प्रॉब्लम आ रही थी। बट इस वाले यार क्लैश ऑफ क्लैन में जो अपडेट आने वाला है टाउन हॉल 12 के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार हमारे लिए कि मतलब लेवल 3 यार हमारे पास इन्फर्नो आ चुके हैं, वो भी मैक्स लेवल होने, लेवल 6 के इन्फर्नो होने। कोई उनका अपग्रेडेशन तो बड़ा नहीं, बट यार इन्फर्नो जो है लेवल मतलब 6 के हैं और 3 इन्फर्नो हो चुके हैं भाई, 3 इन्फर्नो। तो यार अब मुझे देखने को लग रहा है कि यार गेम प्ले बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है पहले से तो भाई। क्योंकि अब हमें यार कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम का क्रिएट करना पड़ेगा। जितने टाउन 12 के लिए है यार, कि मेरा टाउन 11 है तो मुझे तो इतना पता नहीं, बट मेरे लिए टाउन 11 पे यार 3 इन्फर्नो को, 2 इन्फर्नो को एक टेक डाउन करना बहुत कभी कभी तो मुश्किल होता है, कभी कभी रुक जाता था अटैक। और आईलैंड बेसिस में पता है बहुत बनने वाला है, तो अब यार इसका एक नया रूप आ गया आईलैंड का। अब मेरे को लग रहा है कि 3 इन्फर्नो को भी आईलैंड बना के बैठेगा, और वो भी खतरनाक तरीके से होने वाले हैं। बट यार सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि क्लैशर्स को क्या लगता है कि क्लैशर्स क्या ये सदमा झेल पाएंगे? बिल्कुल झेल पाएंगे, क्योंकि यार हमें पता है कि क्लैश ऑफ क्लैन में अटैकर्स की बिल्कुल कमी नहीं है, और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, थोड़ी बहुत उनकी प्लानिंग चेंज हो जाएगी बहुत। मतलब उन्हें अब थोड़ा बहुत और सोचना पड़ेगा कि हाँ यार अब इनको कैसे टेक डाउन करना है, क्योंकि अभी इसमें कोई अपडेट नहीं है। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि 3 इन्फर्नो हमने कर दिया टाउन 12 के लिए, मतलब एक और एडिशनल इन्फर्नो टावर उन्होंने डाल दिया है। अब ये देखना है यार ये नर्फ होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3 इन्फर्नो हो चुके हैं बेसिकली बात है। ठीक है, 3 इन्फर्नो हो चुके हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत अब नर्फ की कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि सिंगल टारगेट इन्फर्नो यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वो यार एक जगह मतलब कोने कोने बिठा दिया जाए तो उसकी रेंज में अगर जितने भी सिंगल टारगेट इन्फर्नो होंगे तो गाइस ट्रूप्स तो हमारे गए गए, पता भी लगने का। क्वीन वॉक अगर हम कराएंगे किसी बेस में तो यार वो भी पता नहीं लगने की। तो मेरे ख्याल से नर्फ का भी अपडेट आएगा, थोड़ा बहुत इनको नर्फ करना पड़ेगा, या फिर थोड़ी बहुत रेंज की प्रॉब्लम होगी, या फिर तो सिंगल टारगेट इन्फर्नो को थोड़ा डैमेज हल्का सा कम कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी अपडेट आएगा, फ्यूचर अपडेट बता रहा हूँ, फ्यूचर अपडेट भी आ सकता है गाइस। क्योंकि यार 3 इन्फर्नो को झेलना, वो भी टाउन 12 मैक्स बेस पे, और टाउन 12 का बंदा अटैक कर रहा है, तो भाई बहुत मुश्किल। बहुत सारे अटैक्स टाउन 12 के बहुत अच्छे होते हैं। अब यार क्लैशर्स को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा कि यार कैसे हम इस पे 3 स्टार करें। क्योंकि अब यार टाउन 12 पे मुझे लगता है 3 स्टार हमें कम देखने को मिलेंगे। मतलब ये क्लैश ऑफ क्लैन दोबारा रिपीट कर देंगे टाउन 11 पे, जैसे कि 2 इन्फर्नो थे जिस टाइम उस टाउन 11 नर्फ का अपडेट नहीं आया था क्लैश ऑफ क्लैन में इन्फर्नो टावर का। तब तक हमें यार तुम क्लैश ऑफ क्लैन में तुम्हें देखा होगा कि यार टाउन 11 पे हमें बहुत कम 3 स्टार देखने को मिलते थे, बहुत कम। जैसे नर्फ का अपडेट आया तो हमको टाउन 11 पे 3 पे 3 स्टार, मतलब अब हर कोई बंदा 3 स्टार मार देता है, अब हर कोई बंदा अच्छी तरह 3 स्टार मारता है। मतलब जो टाउन 11 पे अच्छे लेवल के हीरोज बैठा रखा, 35, 30, 30, 30 के हीरोज लेके जाता था, तो अब वो आराम से कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत नर्फ हो चुका है। बट इन केस ऑफ TS12 गाइज, अब चैलेंजिंग हो गया है सभी TS12 प्लेयर्स के लिए। टाउन 11 के लिए तो नहीं, टाउन 11 तो भाई वैसे 2 इन्फर्नो के साथ ही रहेगा। टाउन हॉल 12 के लिए डिफेंड आ चुका है ईगल, मतलब सॉरी यार इन्फर्नो टावर आ चुका है, वो भी एक और ज्यादा।
तो अब यार यहाँ पे टाउन हॉल 12 पे मेरे को लगता है 3 स्टार हमें कम देखने को मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं 3 स्टार, बट थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि अब अपडेट में यार डिफेंस कुछ ज्यादा ही इन्होंने क्रिएट कर दिया है भाई, बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है। तो यार यही आज की यार मेरी मेन वीडियो यही थी कि यार तुम्हें बताया कि क्लैन वॉर लीक्स के बारे में, और यार थोड़ा तुम्हें बताना उत्सुक मतलब कि एक्सपेक्टेशन, यार मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा डिफेंड हमारे लिए हार्ड हो जाएगा टाउन हॉल 12 के जितने प्लेयर्स है गाइस क्लैशर्स है, तो उनको यार स्ट्रेटेजीज अपनी थोड़ी डिफरेंट लेवल के ले जानी पड़ेगी, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट है जो एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुके हैं टाउन हॉल 12 के, तो 11 के और 12 में आ चुके, तो 12 टाउन हॉल 12 को उन्होंने बहुत बार 3 स्टार कर दिया, बट अब मेरे को लगता है थोड़ा 3 स्टार के टाउन हॉल 12 रुकने वाला है, क्योंकि डिफेंस ऐड हो चुका है भाई, वो भी छोटा मोटा डिफेंस, अगर कोई एक्सबो ऐड होता, कोई कुछ और ऐड होता, मतलब जैसे कि आर्च टावर्स, कुछ और बॉम्ब टावर्स ऐसे अपग्रेड होते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सबसे मेन खतरनाक चीज है इग्लाइटर के बाद इन्फर्नो टावर्स, यार वो ऐड हो चुका है, तो मतलब अब गेम प्ले कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है गाइस। तो मुझे बताना यार तुमको यार क्या लगता है इस अपडेट के बारे में, कि अगर 3 इन्फर्नो ऐड हो गए हैं वैसे तो हमारे पास अब हो जाएगा, हो गए हैं हमारे पास, तो अब कैसा लगता है तुम्हें गेम प्ले, कैसा रूप लेने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा है रूप लेने वाला है, और बताना अपनी सोच की तुम इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हो। और मेरे को लगता है नफ का अपडेट भी आएगा जब टाउन हॉल 12 ज्यादा 3 स्टार नहीं होंगे भाई, जब देखेगा कि यार टाउन हॉल 12 3 स्टार ही नहीं हो रहा है, और नफ तो वैसे है यार वैसे कि अभी भी थोड़ा बहुत, तो मेरे को लगता है 3 इन्फर्नो थोड़ा बहुत हल्का सा नफ होगा यार, कि सिंगल टारगेट इन्फर्नो का भी थोड़ा एक नफ का अपडेट आने वाला है मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है फ्यूचर अपडेट में। तो आई होप यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना है कि यार तुम्हें क्या लगता है इस अपडेट के बारे में, और मैं मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट अटैक स्ट्रेटजी, कोई भी अब क्लैश ऑफ क्लैन में कोई भी वीडियो अपलोड होगी, मेरे ख्याल से आज स्नीक पीक अपडेट भी आने वाला है और मेंटेस ब्रेक भी आने वाला है शायद से, तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा, तो मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। Side in the all black.